नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर, मैं इस वक्त भी हमारी मौजूदगी पुलिस लाइन पे है और यातायात कार्यालय के पास से आपको बता दें, आज जिस तरह से मौसम जो है बरसात का मौसम है, देख सकते हैं ये जवान है और ये जो है पीआरडी के जवान है, जिस तरह से देखिए इनकी वर्दी पूरी तरीके से देख चुकी है और आपको बता दें ये जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे तमाम ऐसे जो है समस्याओं से हमेशा खड़े रहते हैं जनता की। सबसे पहले चाचा ये बताइए, आप छोटे लाल है, नाम यादव है, तो इस तरह से ये बताइए, आप वर्दी भीग चुकी है और आप जो है देश की सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ पे रेनकोट भी देने का प्रयास करना चाहिए ताकि जो है बरसात के मौसम में आप लोग अच्छे से ड्यूटी कर सकें, क्या कहना चाहिए? हम लोग रेनकोट मिलना चाहिए और सुविधा होना चाहिए और फिर बाद हर तरह के दिखते हैं, धूप लग रही थी। ये बताइए, बरसात है, जब वर्दी आपकी भीग चुकी है और आप साइकिल से मतलब आते हैं, ड्यूटी के प्रति सजग रहते हैं और एक तरह से देश की सेवा कर रहे हैं। हाँ, देश सेवा कर रहे हैं, भीगते हुए क्या किया जाए, कोर्ट विभाग से मिली नहीं है। अच्छा, उसके बाद तब बातें मिलेगा भाई, ऑफिस से मिलेगा, जो ऑफिस में आएगी तो मिलेगी। ये बताइए, आपने कभी जो है यहाँ पे जो प्रभारी निरीक्षक उनको भी मैंने आपने कभी अवगत कराया, सर बरसात का मौसम है, ऐसे में हम लोग ड्यूटी करते हैं, वर्दी भीग जाती है, तो कभी कभी रेंट का भी रेंट कोट का भी मांग रखना चाहिए आपको? अकेले हम कैसे मांगे, सब लोग पूरे लोग जब तैयार हों तभी मिलेगा साहब, एक आदमी करने से कुछ नहीं होगा, सभी लोग तैयार होंगे तब मिल जाएगी। तो वो उसी हिसाब से हमारे अधिकारी जो जिला कमांडर साहब हैं, उसी हिसाब से उसका बजट बनाएंगे तब मिलेगा। अच्छा, एक दो आदमी कहीं मिलेगी। अच्छा, ड्यूटी कहाँ लगी है, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो धूप हो, हमेशा आप लोग सेवा में रहते हैं, ट्रैफिक जी सामान संभालते रहते हैं, चाहे घाम हो चाहे धूप हो, हम लोग ट्रैफिक जाम हो जाएगी, दिक्कत हो जाती है ना, बहुत पब्लिक दिक्कत होती है, हम लोग क्या पब्लिक गाड़ी अगर नहीं पास होती पब्लिक घबरा रहते हैं और डबल लाइन लगा देते हैं, तीन तीन चार चार लाइन लगा देते हैं, तो उसको अपना क्या सुन के समझा बुझा के आगे निकालना हम लोग का कर्तव्य। ऐसे में जाम को आपने जाम को कैसे आप छुड़ाते हैं, कहीं वो सबको पाछे हटाते हैं, आगे चलिए पाछे हट, बाएँ चलिए बाएँ हो जाइए, जो दहीने वाले हैं अपने दहीने हो जाएं। नियमों के बारे में लोगों को सजग करते हैं कि हेलमेट का प्रयोग करें और आपका जीवन अमूल्य है, आप लोग भी समझाते रहते हैं और जितने नए जो लोग बता देते हैं भाई अपना हेलमेट ले लो, नहीं चलान कट जाएगी, बाकी तभी सब लोग नहीं। ये बताइए, एक सवाल ये है, गरीब जो है जिसके पास कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं है, वो भी अगर गाड़ी चला रहे हो, उनको भी 6,000 का चालान कभी कभी कट जाया था, क्या वो उस तरह से गरीबी झेल रहे हैं, उसके बाद भी चालान काटा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वो साहब हम लोग नहीं काटते चालान, हम लोग नहीं, जैसे आपका ट्रैफिक पुलिस विभाग काट रहा है चालान जी है, ट्रैफिक पुलिस वाले वही सब उनका समस्या देख कर काटते हैं, जैसा होता है वैसा करते हैं, जो कानून मिला है उसके कानून के साथ देख सकते हैं, ये बुजुर्ग चाचा जी हैं और अपने जो है अपनी सेवा में और यहाँ पे खड़े रहते हैं और इनका भी ड्यूटी लगी हुई है और कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये रेनकोट भी अपने पैसे से पुलिस का जो है पानी से बचे रहे हैं ताकि जो है सेवा कर रहे हैं। चाचा ये बताइए, आप लोग भी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में आप लोग की ड्यूटियां बहुत ही टफ होती चली जा रही है, आपकी उम्र जो है इतनी हो चुकी है, उसके बाद भी आप जो है सेवा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? देश सेवा के लिए हम लोग नियुक्त किए कर रहे हैं, सरकार जो चाहे वो करे भाई जी, हाँ सरकार जो कर रहे हैं हमको जो हम अपना काम कर रहे हैं, जो सरकार चाहे वो करे जी। आप हमेशा अपने मतलब जो है आदेशों का पालन कर रहे हैं सरकार के, बाबा हम लोग के बारे में जो बाबा करेंगे भाई, बाबा जी कर रहे हैं करेंगे अच्छा ही करेंगे। देख सकते हैं ये जो है सीधा सीधा खुले पे बाबा जी का भी सराहना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर जो है एक इनके जो है जिस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे जवान जो है पीआरडी के जवान को मैं सलूट करता हूं, चाहे बरसात हो चाहे पानी हो चाहे धूप हो, हर सेवा में समर्पित रहते हैं ऐसे जवान को। जय हिंद जय भारत।